किशनगंज में बिजली विभाग ने चलाया बिजली बिल भुगतान अभियान। टेढ़ा गाछ प्रखंड क्षेत्रों में बिजली विभाग ने चलाया बिजली बिल भुगतान अभियान। बिजली बिल बकाया नहीं देने वालों का कट किया कनेक्शन। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के मुख्य न्यायाधीश दमदन गोपाल व्यवसाय ने शनिवार को स्थानीय अभिशासक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशोक कुमार यादव के पदभार ग्रहण एवं अधिवक्ता समारोह में लिया भाग। मथुरा में तकनीकी ज्ञान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों को बांटे टैबलेट्स। वैभवपुर में मंदिर पनवाड़ा हॉल निवासी सुभाष चौक वयाना एएसपी शर्मा राष्ट्रपति पुलिस पदक से हुए सम्मानित। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर, मोटरसाइकिल व चोरी और चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाला कबाड़ी हुआ गिरफ्तार। सीकर में धोद विधायक परसाराम मोरदिया के प्रयासों से फागलवा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नई चिरंजीवी एम्बुलेंस की मिली सौगात। पीएससी ने चिरंजीवी एम्बुलेंस का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। माननीय विधायक महोदय परसाराम जी मोरदिया साहब को एक छोटा सा निवेदन किया था। यहाँ मेन सीकर सालासर रोड होने के कारण आज से होते रहते हैं और एम्बुलेंस की बहुत बड़ी कमी यहाँ हो रही थी, तो एमएलए साहब को एक छोटे से निवेदन पे उन्होंने हमें एक चिरंजीवी 108 एम्बुलेंस की सौगात इस फागलवा गांव को दी। उसके लिए एमएलए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और आमजन के लिए ये बड़ी सुविधा है, हर छोटी बड़ी परेशानी में ये 108 एम्बुलेंस कारगर साबित होगी। अलीगढ़ में सिल्वा कुमारी ने मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला का नगला तिकोना नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फीता काट कर किया उद्घाटन।